So this video is in relation to NEET, PG, MD and MS entrance examinations which was held today, that is 7th of January 2018. So friends, मैं भी अपने एक friend के साथ यहाँ पे exam center के बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है. I am a chartered accountant. So I was standing outside this center which is at Mundka, Delhi, ठीक है. IDZ Digital Zone 1. So इस सेंटर के बाहर इतनी गंदी तरह मैनेज हो रही थी चीज़ें. देर वॉज नो प्रॉपर अथॉरिटी यू नो विच वॉज देयर टू गाइड स्टूडेंट्स. सब एक हैपेजार्ड तरीके से हो रहा था. यहाँ पे XLRI का भी एग्जाम हो रहा था कंडक्ट. सो पीपल वर आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड देयर. जो मेरे साथ आए थे वो तो अपना एग्जाम देने चले गए थे, बट आई वॉज वेटिंग फॉर हिम. सो आई वॉज सीइंग द सीन्स विच आर आउटसाइड, यू नो. XLRI के स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, देवर गेटिंग कन्फ्यूज कहाँ जाना है. आपके नीट वाले बच्चे भी आ रहे थे, देवर गेटिंग कन्फ्यूज. एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज एट द एंड अराउंड 12-13 स्टूडेंट्स वर देयर जो कि 9 बजे से पहले आ गए थे. हाउ एवर उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया ड्यू टू सम यू नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द अथॉरिटीज देयर, जिन्होंने उन बच्चों को बोला कि आप पीछे वाले गेट से एंट्री करो. वो पीछे गए बेचारे, वहां पे गेट बंद हो गया था, और वापसी इधर आए तो यहाँ पे उनको बोल दिया गया कि अब 9 बज गए, बायोमेट्रिक बंद हो गया. दिस इज बुलशिट. एंड सीरियसली फ्रेंड्स, यू नो उन बेचारों का 1 साल बर्बाद हो गया इस चक्कर में. आप डॉक्टर्स वैसे ही इतना पढ़ते हो यार, इतना इंटर्नशिप के दौरान, अपने हॉस्पिटल में जॉब करने के दौरान, और 1 साल बहुत मैटर करता है यार लाइफ में. एंड यू नो बिना दिए ही आप लोग रह जाओ यार ऐसे एग्जाम में, वो 12 स्टूडेंट्स. सो दिस इज वेरी अनफेयर. हैड इट बीन कि वो लेट आए होते, स्टिल दैट कुड हैव बीन यू नो अंडरस्टूड कि इट वुड हैव बीन अ वैलिड रीजन. बट 9 बजे से पहले आने के बावजूद अथॉरिटीज के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से उन बेचारों का एग्जाम कैंसिल हो गया. उसके बाद पुलिस आई वहां पे उन बेचारों को, उन्होंने पूरा रिक्वेस्ट करा अथॉरिटीज से. हाउएवर उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला. आधा घंटा पौना घंटा स्टिल था कि उनको एटलीस्ट अंदर ले दिया जाता. हाउएवर दे डिडंट लिसन टू डेम. 4 घंटे खड़े होके बाहर बेचारे रोते रहे, परेशान होते रहे, बट किसी ने उनके नहीं सुनी. सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी सैड न्यूज. एंड यू नो मेरा कुछ फायदा नहीं है इसमें, बट हाउएवर आई रियली वॉन्ट कि आप लोग इसके अगेंस्ट कुछ एक एक्शन लें. एटलीस्ट शो सम यूनिटी फॉर दोज 12 स्टूडेंट्स. एंड ये सिर्फ इन 12 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, आपके कोलीग्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स और आपके फ्रेंड्स के साथ. सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू यू नो जॉइन हैंड्स इन दिस इनिशिएटिव. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री. एंड यू नो वी आर गोइंग टू आस्क देम टू इन स्टूडेंट्स का यार कुछ भला करने के लिए. एंड स्पेशली आगे से एटलीस्ट इस बॉडी को ध्यान देना चाहिए कि ये लोग जो सेंटर के इंचार्जेस बनाते हैं या फिर सेंटर पे ड्यूटी अफिक्स करते हैं, वो सिर्फ एम आई ड्यूटी ना हो, एक एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, जिससे बच्चों के करियर पे बेफालतू में ऐसे 1-1 साल के लिए गैप्स ना आए. फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू ऑल कि हमें इस इनिशिएटिव में साथ दें. इसके बाद ही, मेरी बोलने के बाद ही यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, वेयर इन सेंटर के बाहर के कुछ सीन्स हैं जो अथॉरिटीज के जवाब थे वहाँ पे, और जो स्टूडेंट उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू यू नो रिपोर्ट अस एनी सिमिलर इंसिडेंट्स, सो दैट फ्रेंड्स एक यूनिटी से हम लोग आगे अथॉरिटीज से बात कर पाएं एंड इसका एक रेजोल्यूशन निकाल पाएं आगे के लिए भी, और हो सकता है होपफुली इन 12-13 बच्चों को और भी जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सेंटर में, उनको एक सेटिस्फैक्ट्री एक वो मिल जाए यार, उनको इंसाफ तो मिले इस चीज का. उन बेचारों का 1 साल मारा गया. फ्रेंड्स, आपका हो सकता है एग्जाम हो गया हो, अच्छा हो गया हो, एंड यू नो सब ठीक है यार, बट एटलीस्ट यू मस्ट हेल्प बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम फ्रेटर्निटी. वैसे भी आजकल आप डॉक्टर्स के लिए बहुत मुसीबतें हैं यार, कि आप लोग को मार रहे हैं लोग, मतलब बेफालतू में पेशेंट्स भी मारते हैं, अटेंडेंट्स भी मारते हैं. तो यार यू नो एडिंग टू दिस सच थिंग्स लाइक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी इतना दिक्कत होगी, तो यार दिस इज वेरी यू नो इनजस्टिस. एंड अथॉरिटीज शुड यू नो एक्ट अगेंस्ट दीज स्टूपिड थिंग्स विच इज हैपनिंग. एंड यू नो इट इज क्रिएटिंग अ पैनिक अमंग स्टूडेंट्स आफ्टर आउटसाइड द एग्जाम्स, यहाँ पे कम्फर्ट जोन की जगह उनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज जॉइन हैंड्स टूगेदर एंड रिपोर्ट अस एनी सच इंसिडेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन. Kindly share this video to your friends, especially who are doctors and who are appearing for this PG entrance exam this year or next year or last year, whatever. And help us in getting justice for those 12-13 students and the other students, jinko ye sari dikkatein face hoti hain. Thank you, friends.
कोई वोट नहीं था यहाँ पे, कोई भी वोट नहीं था, कोई भी वोट नहीं था। यहाँ लोग बोल रहे कोई वोट नहीं था यहाँ पे। कहाँ बोल रहे? अरे एग्जाम किसका कंडक्ट कर रहे हो? ये कौन बताएगा एग्जाम किसका कंडक्ट कर रहे हो? भैया आंसर करना पड़ेगा आपको, आपको आंसर करना पड़ेगा। बंद नहीं कर सकते सर, आपके सामने बंद करके जा रहे हैं सर। आप अकेले को आप जवाब नहीं दे सकते सर। सर ये लिटिगेशन होगा, ये प्रॉब्लम होगी सर सबके लिए सर। ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। बच्चों की लाइफ खराब हो रही है सर। सर आप उनको पूछिए कि इन्होंने लिखा नहीं है। मैंने बुला दिया इनको, आप पूछो। आप एक बात बताइए, इन्होंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है। इनके साथ थे, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, मैं बोल देती हूँ। सेंटर में चौक है, वो सेंटर आपका। भैया आपने लिखा नहीं है बाहर, आपने लिखा नहीं, लिखा है कहीं नहीं लिखा है आपने। आपने कहीं नहीं लिखा है। हम लोग से बाहर से कितने बजे आए? 9 बजे टाइम पे आ गए थे। नहीं 9 से पहले आ चुके थे। हो ही नहीं सकता भैया। भैया नहीं है, इनको मिसगाइड किया गया। पहले आ गए थे ये लोग। भैया ये लोग यहाँ से पहले आ चुके थे। सर एक काम कीजिए, मेरी बात कीजिए। आप आए 9 बजे, उनकी बंदा बात खत्म। 9 बजे से पहले आ गए थे। हम लोग तो मिस गाइड हो गया। आप मिस गाइड का मैं मान रहा है। आप एक छोटी सी बात बताइए, आप पे एडमिट कार्ड है जी? क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है मुद्रिका डेली रोजाना। अरे भैया वो क्या है, वो आयन नहीं है, वो आयन नहीं है, वो आयन नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ नीट पीजी कौन लिखेगा? यहाँ नीट पीजी लिखा है? क्या बात कर रहे हो यार आप? आप क्या बात कर रहे हो? अभी टाइम है सर, 20 मिनट बाकी है। अभी 20 मिनट बाकी है, आधा घंटा बाकी है सर। लेकिन उनको 9 बजे 1 सेकंड सर। लेकिन एक बात बताइए, अभी 20 मिनट एग्जाम है सामने, बोल रहे हैं सर। मैं क्या करूँ भाई, सही कर रहे हैं। लेकिन आप इनको बताइए, ये तो अपने ही अलग लगा धक्के देके बाहर निकल रहे हैं। आप क्या 9 बजे आओगे? क्या गाइड क्या बात कर रहे हो? 9 बजे आ रहे हो यार, रिपोर्टिंग टाइम है। एनबी से कोई है आपका? कोई एनबी से कौन है? उनको बुलाइए बात फिर। एनबी सर बुलाओ सर, 5 मिनट से ये लोग 9:05 से शुरू है। बच्चे को क्या हम खड़े बाहर? बोर्ड दिखाओ। बच्चों को लाने का टाइम है, बच्चों को अंदर ले जाने का टाइम नहीं है। एक साल बहुत ज्यादा होता है। टाइम पे आए थे। 9 बजे से पहले ये गेट बंद होने से पहले। भैया समझ गए, उनको वहाँ से पीछे भेजा गया, यहाँ से पीछे भेजा गया उनको। यही क्या आपके लोगों ने? आप ही लोग अब ये बता देंगे, बताइए कौन है? आ गए थे। गेट बंद होने से पहले मेरे पास कैमरे हैं। आपका कोई बंदा तो बाहर रखते हैं। सेंटर बनाया आपका दूसरी बार, ये वापस हर बार बनेगा आपके कहने से? सेंटर नहीं, आपने मेरे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से। आप इधर का गैप साइन कोर्ट के कहने से भैया, मेरे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से नहीं बनेगा ये सेंटर। 6:54 बजे आपका एडमिट नहीं करा, थोड़ा वेरिएशन हुआ होगा कर दिया ना। एक मिनट रुक जाओ, उनको करने दो, उनका इनकी कार्रवाई करने दो। कोर्ट करेगा कैंसिल, हम क्यों करेंगे भैया? इतनी अकड़ दिखा रहे हो ना, वहाँ भी दिखाना है अकड़, यहाँ तो दिखा रहे हो अपने सेंटर पे। हमारे सेंटर पे भी आ जाना कभी, हमारा सेंटर यहाँ नहीं है, हमारा सेंटर दिल्ली हाईकोर्ट है। मान ही नहीं रहा है जो उधर से वो लोग घुमा दिया।
नहीं आता जब गार्ड के ऐसे उसके मालिक नहीं है उनको बोलने की तमीज नहीं है। हमारा साल बर्बाद हो रहा है आपका तो 9 बजे तक एंट्री है भैया और रूल्स तो पता नहीं है यहाँ पे 9 बजे से रूल्स पता नहीं है आप बहस कर रहे हो 9 बजे तक गेट एंट्री है 9 बजे तक एंट्री क्यों कह रहे हो 7:30 तक ना। कौन सा गेट बंद किया कौन सा गेट बंद किया ऐसे लोग कंडक्ट करा रहे हैं गेट में ऐसे आदमी रखा सुनो गेट से पीछे घुमा दिया 7:30 के बाद किसी को लिया कि नहीं लिया 7:30 के बाद किसी को लिया कि नहीं लिया 9 रिपोर्टिंग टाइम बाद में लिया कि नहीं लिया 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे तक ना ये यहाँ 8:30 को थे ये 8:50 को थे यहाँ पे पीछे बैक तूने मत करो मैं क्या टाइम से आए थे ये सब टाइम से आए थे ये पागल नहीं है लाओ लाओ कैमरा लाओ कैमरा लाओ कैमरा कोर्ट में बात कर रहा देखिए आपको पता नहीं है आराम से बात कर रही यार तुम साले प्राइवेट लोग प्राइवेट एग्जाम कंडक्ट करते हो एक एग्जाम दो होना चाहिए या नीट पीजी का एग्जाम होना चाहिए या तुमने कहीं बोर्ड मारा नहीं बच्चे बेचारे पीजी चले गए 5 मिनट लेट हो गए 5 मिनट बाद इन्होंने गेट बंद कर दी बस चले गए बाहर निकाल दिया हाँ नीट एमपी का 9 बजे आ गए थे भैया लेकिन इनको इनको सेंटर नहीं पता कहाँ है गेट का एंट्री का यहाँ एग्जाम चल रहा है इनको लगा पीछे एंट्री होगी किसी ने बोल दिया पीछे जाओ एग्जाम कंडक्ट करना आता नहीं है दो एग्जाम कंडक्ट करना हाँ पागल बन गए ये नहीं थे सर यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था ये अब आए सर सर एक बात बताइए यहाँ कोई बोर्ड तो लगा ही नहीं आपने यहाँ कोई बोर्ड नहीं है सर यहाँ कोई बोर्ड नहीं है यहाँ कोई बोर्ड नहीं है सर किस चीज का बोर्ड एंड नीट पीजी एग्जाम कम ऑन यू रीड द इंस्ट्रक्शंस अबाउट एंट्री अबाउट एंट्री व्हाट इज द लास्ट टाइम 9 o'clock देवर बिफोर 9 ईयर हम लोग 9 o'clock बिफोर 9 ईयर किसने मना किया आई वाज गेट खुला था बंद था ये गेट खुला था बंद था ये गेट 9 बजे बंद हुआ है ये गेट 9 बजे बंद हुआ है गेट बंद था मतलब 9 बजे के बाद है ऐसा डेट चाना मत पर सर सारा नहीं बंद है डॉक्टरी की है सर सारा नहीं बंद जब तो पैदा हुआ था ना तब मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ ओके ओके सर वेरी गुड ये अच्छा बोला आपने एक बार और कुछ बोल दो और कुछ नहीं बोलोगे आप पैदा हुए थे बोल दो और कुछ बोल दो ये वीडियो आएगा उस पर कल जब मैं पैदा हुआ था।